अस्सलामुअलैकुम भाई जान। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इधर को आए थे एक्सकर्शन को, आपको कैसा लगा ये काली चोटी वगैरह? बहुत ही प्यारी है काली चोटी, यहाँ पे बहुत हमने एंजॉय किया। हमने यहाँ पे मीट बनाया, मैगी बनाई, कोल्ड ड्रिंक पी, बहुत ही एंजॉय किया हमने। बहुत ही मजेदार जगह है ये और बहुत ऊंची जगह है। यहाँ से इस तरफ सुरनकोट है, इस तरफ लोरन है। अच्छा, आप बताओ क्या ये पार इलाके में आप जाना चाहते हो या एक्सकर्शन के लिए? हम आए तो थे 2 दिन के लिए, यहाँ पे हम नीचे बड़ीबैग भी रुके और 2 दिन के लिए आए हुए थे, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है, नहीं तो हमने गली डोबा भी जाना था। अब हम इधर से उतरेंगे, वासी से जाते हुए पुष्कर। किस साइड से आप उतरोगे? आप रास्ता थोड़ा बताओ हमें और आगे चलो। नीचे की तरफ चलो, ठीक है। साथी पीछे आ रहे हैं, आप इनसे भी पूछ लेना। चलो शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, आप इस एक्सकर्शन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही बढ़िया एक्सकर्शन थी हमारी इधर। हमारा मिशन यही था काली चोटी, तो हम यहाँ पहुँच गए। इस वक्त आप किस जगह पे हो, आप बताओ जरा? काली चोटी पे हैं, मौसम अच्छा है, सभी ठीक है, खाना खा लिया है। खाने वाने का पूरा इंतजाम था इधर? बिल्कुल बिल्कुल, हमने पूरा इंतजाम किया हुआ था। अच्छा, अब आपने कहाँ तक जाना है? अब हम जाएंगे वासी से घर। चलो ठीक है। आप ये पीछे हमारी एक जनता है, इनसे पूछ सकते हैं कोई खाने में कोई इफेक्ट डिफेक्ट। चलो आपने खाना खाया ना? चलो शुक्रिया, हमने खाया। बिल्कुल, अल्लाह हाफिज़। फरमान अली खान, आप बहुत जो ढीले बंदे थे, बिल्कुल ठीक है, इधर तक आप कैसे पहुंचे, आप हमें जरा गौर से बताएं, ठीक है? बहुत मजा आया, अल्लाह की मर्जी से पहुंच गया हम भी यहाँ पर। बहुत ही हमारे ग्रुप में लेजी पर। आप कुछ सोए सोए थे ना यार, जैसे आप नींद में थे, ऐसे चल रहे थे? लंबा सफर था ना, इसलिए मैं कदम एक पीछे रख रहे थे, स्लो चल रहे थे। अच्छा, आपको जगह कैसी लगी ये, आप किस जगह पे हो? काली चोटी पूरा अच्छा, पूरा नहीं है, बहुत अच्छी लगी काली चोटी। हमारा मिशन था परसों का, इंतजार के बाद हमारा। हाँ सर, तो कैसी रही आपकी एक्सकर्शन? बहुत ही अच्छी रही यहाँ पे काली चोटी। यहाँ से हम मोलसार, जब्बी, क्या क्या दिखता है यहाँ से? हमें दिखता है मोलसार, जब्बी, गली डोबा, मर्ग। तो अब कहाँ पे जा रहे हो? अब हम वहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, तो ठीक रही ना खाने में कुछ प्रॉब्लम? बहुत अच्छी। अच्छा चलो ठीक, कोई खतरा तो नहीं रहा? नहीं नहीं, कोई खतरा नहीं। ए, ये हमारे बिलाल साहब, ये दुनिया दे सतु जुबे। बोलिए बोलो सर, कैसी रही आपकी आज की ट्रिप? बहुत ही शानदार और खूबसूरत। आपका इरादा तो नहीं था, लेकिन आप बाय चांस आए? जी जी बिल्कुल, मैं यहाँ नीचे उर्स में आया था, वहाँ से अचानक प्रोग्राम हो गया। कौन लेके आया आपको? ये रटे मुंह वाला टायर लेके आया। हम लकड़ियाँ उठा के दौड़ रहे। ठीक है, खराब करे जूनियर आर्टिस्ट आनी। चलो अब कहाँ जा रहे हो? जी आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, आगे देखना है, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो पानी नहीं, आपने कैसे अरेंज किया पानी? नीचे से लाया था बैग में, बोतलें भर भर के। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना रास्ते में चलते हुए? कोई दिक्कत नहीं हुई। पहले सुना था आप कहीं और ही जा रहे थे? जी वो रास्ता भूल गए थे, नीचे घुस गए हम जाके वहाँ। अच्छा चलो ठीक है, शुक्रिया। बिल्कुल, वो नीचे लोगों से मांगी थी थोड़ी बहुत। जनाब हाँ, बोला साहब कैसी रही तो कैसी रही ट्रिप आपकी आज? मजा किया? बहुत ही अच्छा किया हमने मजा। ये काली चोटी बहुत ही अच्छी जगह है, हमने आज बहुत ही अच्छी जगह पे आए और बहुत अच्छा हमने प्रोग्राम रखा, और अब नीचे जा रहे हैं और इस दूसरे रास्ते से वासी जाना है, वासी से फिर नीचे सीधा गाड़ी जाना है। और बहुत अच्छी रही, अल्लाह में इस ऐसी कबूल फरमाए। आमीन या अल्लाह। चलो सर, चलो चलो सर। हाँ, बिलाल साहब कैसा रहा आज का दिन? बहुत खूबसूरत रहा, माना जाता है इस पिकनिक का। आप क्या बोलते हैं इस बारे में, बोलिए कुछ, इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू ऐसा है, जो हमारे साथी हैं वो बहुत कुछ ढीले थे, जैसे बिलाल अहमद खान, ये बैंस जो थी वो आगे से आ रही थी, ठीक है, इन्होंने बोला रीच है, बहुत डर के मारे, बहुत छलांगे लगा के हमारे पास पहुंचे, फिर हमें दौड़ के आना पड़ा और जायजा लेना पड़ा, इसलिए हम फिर उधर से रवाना हुए।
काली चोटी और इधर बहुत शानदार पिकनिक हमने खाया पिया, बहुत इंतजाम था। हम अपने इस फरमान अली खान से कहना चाहते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया था, हम प्रेसिडेंट को मुबारकबाद देना चाहते हैं और अपने दिल की आरजू से, बहुत तमन्ना से, गहराइयों से, ठीक है। अच्छा, चाणी का बेला चाट रहे, ये कर क्या रहे? अच्छा, ये जो पिकनिक हुई है उसको इंतजाम कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं पिकनिक का। क्या हम इधर आए थे, लड़के खुश हैं? लड़के बहुत खुश हैं, आपसे खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं। बकवास बोलो। और अब हम इधर से जाएंगे सीधा त्रैड़ वाली साइड, ठीक है, वांसी और त्रैड़ वगैरह, ऊपर वाली वांसी और नीचे वाली। तो सुना है यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है, तो कैसे अरेंज किया आपने पानी? पानी की इधर दिक्कत थी, हम गए वो नीचे मोहल्ले वाले थे कुछ, इधर जो डोकू में आए थे। तो कैसे लोग हैं यहाँ के? बहुत अच्छे लोग थे, हमने उनसे लस्सी मांगी और उन्होंने दो बॉटल लस्सी की बेची हमारे पास, और पानी पानी का इंतजाम हमने किया, जो ठंडा लाया था वो हमने वो नीचे। हाँ, आप ऑडियंस से क्या बोलेंगे, जो ये लोग देख रहे हैं, उनसे क्या बोलोगे, इधर क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? इधर आए वो और सब मिल के आए खुशी खुशी से और इंजॉय करें। अच्छा, तो प्रेसिडेंट ऐसे होना चाहिए उनके लिए भी? प्रेसिडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? प्रेसिडेंट बहुत ढीला बंदा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सोया हुआ, ये जब आता है तो सोया सोया चलता रहता है, इसको अपना ध्यान ही नहीं रहता है मैं कहाँ पहुंचा हूँ। ये थोड़ा दुखी है, ये इधर आके हंस रहा है और खिचखिचाते रह रहा है। ये देखो तो सही, ये प्रेसिडेंट फरमान अली खान, इनके चेहरे देखो तो सही, चेहरे इनके देखो आप, बहुत ढीला बंदा है ये। मैं प्रेसिडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट चंगा मजबूत अट्टा कट्टा होना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो आप इनके बारे में? ये ताहिर साहब, इन्होंने बहुत इंतजाम किया, जो खाना वाना बनाना था वो इन्होंने बनाया, ठीक है, हमें मैगी खिलाई, मैगी वगैरह इन्होंने बहुत इंतजाम किया था, वैसे वगैरह। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ताहिर अहमद खान, ठीक है भाई। अब आए इनके पास, देखते हैं ये कौन साहब हैं, इन सब के बारे में कुछ। इब्रार अहमद खान, डीजे, बड़ी बैग से जो हमारे साथ आए थे गाइड, हमने इनको अपने साथ लाया था गाइड बना के, ठीक है, हमने गाइड बना के इनको लाया था, मगर इनको भी पता नहीं था कि काली चोटी इधर ही है। आपको मालूम ऐसे नहीं ना था, क्योंकि आप भी कुछ सुस्त बंदे थे, ठीक है, ढीले। इनके बारे में, ये जो वीडियोग्राफर है, ये फोटो के बिना रहते नहीं, ये जो है ना बड़ी बैग से लेकर यहाँ तक इतने फोटो बनाए, इतने फोटो बनाए और वीडियो, ठीक है, सब कुछ इन्होंने, बस फोटो जो कुछ है, फोटो ही फोटो है इनकी, चल ठीक है। आप इनके बारे में, ये इसका मैंने आपको पहले ही बताया था, डरपोक नंबर एक का ये, जहाँ भी जाते हैं आग लगा कर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर तेरी नासों में कितना है।